हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साईं बाबा इन्फोटेक। तो काफी परिवर्तन आ चुका है एमपी की राजनीति में और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया है। कहां से? कांग्रेस इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन आज भी एक चीज ऐसी है जिसके कारण सिंधिया परिवार को झुकना पड़ जाता है, और वो ये है कि उन्हें बार बार कहा जाता है कि सिंधिया परिवार के पूर्वजों ने झांसी की रानी को मरवाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो कहां तक ये बात सही है और क्या रोल था जय जीराव सिंधिया का, जो कि तब के राजा थे, मतलब जब 1857 की क्रांति हुई थी तब ये ग्वालियर के राजा थे, और इन्हीं के कारण आज भी सिंधिया परिवार को काफी कुछ सुनना पड़ जाता है, यहां तक कि गद्दार भी कहा जाता है। तो कहां तक ये बात सही है ये भी देखेंगे। क्या इनके पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों के लिए कि आज का सिंधिया परिवार भी गद्दार है? भाई ऐसा कहना क्या ठीक होगा कि तब जो पूर्वजों ने इनके किया था तो उसके कारण क्या आज के जो सिंधिया परिवार है क्या उसको दोष देना कहां तक सही है? तो ये सब कुछ हम देखेंगे। इसके अलावा किन परिस्थितियों में जय जीराव सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था और दामोदर राव कौन थे, क्योंकि दामोदर राव का भी बहुत बड़ा रोल था अंग्रेजों का साथ देने में, जय जीराव सिंधिया को दबाव डालने पर। तो ये सब कुछ हम देखेंगे और क्यों ऐसा किया जय जीराव सिंधिया ने, काफी अच्छा मित्र माना जाता था इन्हें अंग्रेजों का, और आज इन्हीं के कारण काफी सारी चीजें जो है सिंधिया परिवार को सुननी पड़ती है। तो सब कुछ हम देखेंगे। इसके अलावा ये है दिनकर राव, ठीक है, और ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, एक तरीके से पिट्ठू कहा जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, इन्हें ग्वालियर का रेजिमेंट बना दिया था। ठीक है, ये वीडियो मैं दो पार्ट में लेकर आऊंगा, जिसमें हम देखेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की और जय जीराव सिंधिया के रोल की, ठीक है, साथ साथ दिनकर राव के रोल की। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम ये देखेंगे कि किस प्रकार सिंधिया परिवार राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं सिंधिया परिवार की तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंधिया राजवंश की स्थापना कैसे हुई। देखिए, सिंधिया राजवंश की स्थापना की थी एक मराठा सरदार ने, और उस मराठा सरदार का नाम था रानोजी सिंधिया। रानोजी सिंधिया एक्चुअल में ये सिंधे से निकले हुए हैं। तो रानोजी सिंधिया ने सिंधिया राजवंश की स्थापना की। ये एक हिंदू मराठा राजवंश था, और सबसे पहले जब इन्होंने इस राजवंश की स्थापना की तो राजधानी बनाई थी उज्जैन, और उज्जैन बनाने के बाद जब इनकी मृत्यु होने वाली थी 1785 ईस्वी में, तो उसके पहले इन्होंने क्या किया था कि अपनी राजधानी उज्जैन से कहां ले गए थे, ये ग्वालियर ले गए थे। इसके अलावा रानोजी सिंधिया को मालवा, जो मालवा में जो मराठाओं की विजय हुई उसका प्रभारी भी माना जाता है। और ये सब कहानी शुरू कहां से हुई, अंग्रेजों के अधीन कब आया सिंधिया राजवंश? देखिए, हम सभी जानते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध हुए, ऐसे तीन हुए, तीसरा हुआ था 1817-18 के बीच में, और इसमें भी क्या हुआ कि मराठों की हार हुई, और जब मराठों की हार हुई तो 1818 में ग्वालियर की संधि हुई, और ग्वालियर की संधि में सिंधिया जो राजा थे वो अंग्रेजों के अधीन आ गए, और एक तरीके से कहा जाए कि अंग्रेजों के अंडर में काम करने लगे। ठीक है, 1818 में जो राजा थे वो थे दौलत राव सिंधिया, ठीक है, और दौलत राव सिंधिया के जो पुत्र थे वो थे जनकोजीराव सिंधिया। अब आती बारी इनकी, जिनके कारण आज भी सिंधिया परिवार को काफी कुछ सुनना पड़ता है, और इनका नाम है जयजीराव सिंधिया। जयजीराव सिंधिया 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के राजा थे। ठीक है, अब ये राजा बने कैसे, देखिए हुआ ये था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनकोजीराव सिंधिया राजा हो चुके थे, ठीक है, और जनकोजीराव की कोई संतान नहीं थी, और इसके अलावा 1843 में जनकोजीराव की असमय मृत्यु भी हो गई। अब इनका कोई वारिस था नहीं, तो राजा किसको बनाए, और अंग्रेज तो इसी चीज में लगे हुए थे कि कोई भी उत्तराधिकारी ना रहे तो ग्वालियर पर ये पूर्ण रूप से कब्जा कर लें, है ना। तो जनकोजी राव की मृत्यु के टाइम पर क्या हुआ कि इस चीज ग्वालियर राज्य को बचाने के लिए भागीरथ शिंदे, जिनको आगे चल के जयजी राव नाम दिया गया, उन्हें जनकोजी राव का दत्तक पुत्र बना दिया गया। इसके अलावा जनकोजी राव की जो पत्नी थी ताराबाई, ये नाबालिग थी, ये 13 वर्ष की ही थी, ठीक है। इसके अलावा भागीरथ शिंदे भी जब 1843 में ग्वालियर के उत्तराधिकारी बने तब उनकी आयु मात्र 9 वर्ष थी। देखिएगा बात को, क्यों, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1835 में, और ये उत्तराधिकारी कब बन गए थे 1843 में, तो 9 साल का फर्क है। 9 साल का जयजीराव सिंधिया उत्तराधिकारी बन गया था, कहां का, ग्वालियर का, ठीक है। माता कितने साल की थी, माता थी 13 साल की, ये क्या थे, दत्तक पुत्र थे। अब यहां से कहानी शुरू हुई, देखिए उम्र काफी कम थी, ठीक है। अब
उम्र काफी कम थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जय जीराव सिंधिया को महाराजा मानने से मना कर दिया, मतलब महाराजा की उपाधि इनको दी ही नहीं, इनको महाराजा मानने से मना कर दिया। अब जब महाराजा मानने से मना कर दिया तो बारी आती ताराबाई की। अब ताराबाई भी नाबालिग थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया ये बोलकर कि दोनों नाबालिग हैं तो हम दोनों को किसी भी प्रकार से कार्यभार पूर्ण रूप से नहीं सौंप सकते और ना ही जयजीराव सिंधिया को महाराजा मानेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक विश्वस्त व्यक्ति दिनकर राव को ग्वालियर का रेजिमेंट बना दिया, ग्वालियर का रेजिमेंट बना दिया। यानी कि अब दिनकर राव सारी प्रशासनिक जो भी सेवाएं हैं और जो भी कार्य हैं ग्वालियर के देखेंगे। अब दिनकर राव के एक तरीके से आप अंग्रेजों का पिट्ठू कह सकते हैं, अंग्रेजों का काफी अच्छा मित्र था, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने दिनकर राव को, सर लगता था नाम के आगे, सर दिनकर राव बोला जाता था इनको। अब आप सोच सकते हैं कि किस हद तक इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया होगा, ठीक है। दिनकर राव तो दिनकर राव बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। और इसने क्या किया था कि समय के साथ काफी दबदबा बना लिया था अपना ग्वालियर पे, और एक तरीके से कहा जाए कि सारे काम दिनकर राव जयाजी राव के नाम से कर लेता था, ठीक है। अब बारी आती है कब, जब 1857 की क्रांति शुरू हुई। तो जो ग्वालियर की सेना थी और जो ग्वालियर के दरबारी थे उन्हें अपने राजा का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो अंग्रेजों के बहुत अच्छे मित्र हैं। क्यों? क्योंकि जयजीराव सिंधिया महाराजा बनना चाहते थे ग्वालियर के, और उसके लिए बहुत जरूरी था कि सील जो है कौन लगाए, उस पत्र पर अंग्रेज लगाए। तो कहीं ना कहीं वो अपने जो रिलेशन है काफी अच्छे मेंटेन कर रहे थे अंग्रेजों से, काफी अच्छे मित्र भी थे। तो ये बात ग्वालियर की सेना को पसंद नहीं आई और उनका झुकाव रानी के तरफ ज्यादा हो गया, क्योंकि रानी ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, और रानी जो है एक बहुत ही कहा जाए एक बहुत ही अच्छी नेतृत्व माना जा सकता है इनके पास था, और इन्होंने विद्रोही सेना का नेतृत्व भी किया, तो इनका पूरा झुकाव इधर था। इसके अलावा ग्वालियर के दरबारी भी चाहते थे कि जो राजा है जयजीराव सिंधिया वो रानी का साथ दें, लेकिन जब इस प्रकार का विद्रोह उन्होंने देखा जयजीराव सिंधिया ने और दिनकर राव ने देखा, तो दिनकर राव ने सलाह दी जयजीराव सिंधिया को कि आप चुप रहिए, आप कुछ मत करिए, आप तटस्थ रहिए, अभी ना आप रानी का साथ दीजिए और ना आप अंग्रेजों का साथ दीजिए, और जब बारी आएगी साथ देने की तो आप अंग्रेजों का साथ दीजिएगा। इस बात पर बात जो है ठन गई दोनों में, ठीक है। अब एक दूसरे की बात मानकर चल रहे थे, लेकिन जो सेना थी ग्वालियर की वो रानी के साथ मिलना चाहती थी, और हुआ भी यही। देखिए, जब अंग्रेजों ने कालपी पर हमला किया, रानी कहाँ थी? कालपी में थी। जब अंग्रेजों ने कालपी पे हमला कर दिया तो रानी को वहां से निकलना पड़ा, और जब वो कालपी से निकल कर आई तो वो तात्या टोपे और राव साहिब से मिली, और इनकी सेना, राव साहिब की सेना और रानी लक्ष्मीबाई की सेना मिलकर इन्होंने एक प्लान बनाया कि अगर हमको अंग्रेजों को हराना है, अगर हमको अंग्रेजों को हराना है तो हमको ग्वालियर जीतना पड़ेगा, और ग्वालियर पर उन्होंने इस प्रकार चढ़ाई कर दी। देखिए, अगर यहां पर ऐसा होता कि ग्वालियर राजा अपने साथ दे देते रानी का, तो रानी का काम काफी सरल हो जाता, भी आपको समझ में आएगा। तो जैसे ही ग्वालियर के पर चढ़ाई कर दी, तो अब दिनकर राव ने क्या किया, दबाव बनाया किस पर, जयजी राव पर, कि ये अब सेना का नेतृत्व करे, ठीक है, और रानी से जाके लड़े। लेकिन विद्रोही सेना कुछ और सोच रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो सारानी का साथ देंगे, और विद्रोह के स्वर ग्वालियर में दिखाई ही दे रहे थे। और हुआ भी यही, जब 1 जून 1858 को रानी ने हमला किया ग्वालियर पर, तो 1 जून की शाम ग्वालियर की जो विद्रोही सेना थी वो भी रानी की सेना के साथ मिल गई, और जब ग्वालियर की सेना रानी की सेना के साथ मिल गई तो जयजीराव सिंधिया बिना लड़े ही हार मान लिए, और जब बिना लड़े ही हार मान लिए तो ये कूटनीति के तहत कहां भाग गए, ग्वालियर से भाग गए। अब देखिए, ग्वालियर से भागकर ऐसा माना जाता है कि वो आगरा चले गए थे, लेकिन आगरा नहीं, पहले ग्वालियर से कुछ दूर चंबल और आसन नदी के बीच, देखिए ग्वालियर से वो डायरेक्ट आगरा नहीं गए, पहले वो ग्वालियर से निकले और चंबल और आसन नदी के बीच में एक मंदिर था, हरसिद्धि माता का मंदिर था, और वहां का पुजारी था कालू राम। तो कालू राम ने व्यवस्था करवाई थी जयजीराव सिंधिया की वहां के रुकने की, और उनके जो भी सैनिक बचे थे उनकी व्यवस्था करवाई थी, और वहां पर ही अपना समय काट रहे थे, ठीक है। अब जो दिनकर राव थे, दिनकर राव राजवाड़े, ठीक है, तो वो ग्वालियर का रेजिमेंट था, तो उसने क्या किया कि अंग्रेजों की तरफ से एक मैसेज भेजा किसको, जयजी राव को, और जयजी राव को उस मैसेज भेजकर क्या बोला कि तुम एक काम करो, तुम आगरा आ जाओ। जयजी राव क्या बोला कि तुम आगरा आ जाओ, और आगरा से हम तुमको यहां पर सेना प्रोवाइड करा देंगे, और सेना प्रोवाइड कराने के बाद हम दोबारा हमला करेंगे ग्वालियर पर और ग्वालियर को
जीत लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो संधि हुई थी पुरानी अंग्रेजों और सिंधिया राजाओं के बीच में, उसका भी हवाला दिया गया, ठीक है। तो उसने क्या किया कि अंग्रेजों की एक सेना, सेना की एक टुकड़ी भेजकर ग्वालियर के जो कम उम्र के महाराज, भाई जयजीराव सिंधिया की ज्यादा एज नहीं थी, 24 साल के तो थे उस टाइम पे वो, ठीक है। तो उनको एक संदेश भेज दिया कि आप जो है आगरा आ जाइए, और इसके साथ साथ उन्होंने पुराने संधि का हवाले भी दिया कि आप आगरा अंग्रेजों के शरण में आ जाओ, और उसके बाद फिर हम ग्वालियर पर वापस से आक्रमण कर देंगे। तो ये तो बात होगी किसकी, जयजीराव सिंधिया की, ये चले गए आगरा, ठीक है। अब रानी को आशंका थी कि अंग्रेज वापस आएंगे, जयजीराव के साथ आएंगे, और अगर ग्वालियर पर आक्रमण करते तो हमारा पलड़ा कमजोर हो जाएगा अगर ग्वालियर की सेना हमारा साथ छोड़ देती है तो। देखिए याद रखिएगा, रानी को पूरा विश्वास था कि ग्वालियर की सेना हमारे साथ है, और जब तक ग्वालियर की सेना हमारे साथ है तब तक हमें अंग्रेज नहीं हरा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कूटनीति क्या हुई, कूटनीति यह हुई कि जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, जयजीराव सिंधिया को मनाया आगरा में, और इनके नेतृत्व में एक सेना उन्होंने भेज दी, और सरयू रोज की सेना भी थी। तो 17 जून को ये वापस पहुंचे, कहां 17 जून को ये वापस से ग्वालियर पहुंचे, और जब 17 जून को ये वापस से ग्वालियर पहुंचे तो जो सेना थी मिश्र सेना थी, भाई अंग्रेजों ने सेना दी थी इनको, और सरयू रोज भी थे वहां पे, तो इसका नेतृत्व किसको, उसका सेनापति किसको बना दिया गया, इनको बना दिया गया, जयजीराव सिंधिया को बना दिया गया। अब ग्वालियर की सेना ने देखा कि यार हमारा राजा ही हमसे लड़ने चला आया है, और जब हमारा राजा ही हमसे लड़ने चला आया है तो ग्वालियर की सेना ने अपने हथियार डाल दिए, मतलब उन्होंने युद्ध ही नहीं किया, अपने राजा को सामने खड़ा देख ग्वालियर की सेना हथियार डाल दी। और ये कूटनीति था क्योंकि दिनकर राव को पता था कि अपने राजा को सामने खड़ा देख ग्वालियर की सेना शस्त्र नहीं उठाएगी, तो अंग्रेजों और दिनकर राव ने कूटनीति बनाई और जयजीराव सिंधिया को राजी किया कि वो सेना का नेतृत्व करें, और वो सेना का जब नेतृत्व किए सामने से आए तो जो अंग्रेज जो ग्वालियर के सैनिक थे उन्होंने हथियार डाल दिए, और जब हथियार डाल दिए तो रानी यहां पर पड़ गई कमजोर, और रानी को फिर वहां से निकलना पड़ा, और फिर हम सब जानते हैं कि रानी का वहां पर, रानी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, और इसके बाद फिर जो भी सेना थी 1857 की वो तितर बितर हो गई। तो देखिए ये था इतिहास जयजीराव सिंधिया का, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से, देखिए एक तो तीन चीज यहां पर समझने वाली बात है आपको, कि पहली चीज तो ये कि जयजीराव सिंधिया महाराजा बनना चाहते थे तो ये हां में हां मिलाते थे अंग्रेजों की। दूसरा, दिनकर राव बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, इसने दबाव भी डाला जयजीराव के ऊपर, लालच भी दिया कि आपको महाराजा बनना है, काफी सारी चीजें हैं तो आप अंग्रेजों का साथ दीजिए। और इसके अलावा ग्वालियर ये हार चुके थे तो एक उनको डर इस बात का भी था, अगर ग्वालियर हार गए और वापस नहीं मिला तो कैसे करेंगे, तो एक कारण ये भी था अंग्रेजों का साथ देने का। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुल मिलाकर रानी का साथ नहीं दिया। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जब रानी शहीद हो गई तो इन्होंने क्या किया, ग्वालियर तो जीत लिया भाई, 18 जून को वापस इन्होंने ग्वालियर जीत लिया, और जब जीत लिया तो ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है कि जयजीराव सिंधिया ने अंग्रेज अफसरों को पार्टी दी थी, बहुत बड़ी पार्टी दी थी। इसके अलावा ब्रिटिश म्यूजियम में इनकी तस्वीर भी है जहां पर इन्हें अंग्रेजों का एक अच्छा दोस्त कहा गया है। तो कहानी यहां से शुरू हुई, जब जयजीराव सिंधिया को ये माना गया कि इन्होंने गद्दारी की और रानी का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया, नहीं तो हमारा देश ऐसा माना जाता है 1857 में ही आजाद हो जाता अगर ग्वालियर जो घराना है अगर साथ देता रानी का। तो ये तो बात हो गई जयजीराव सिंधिया की, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे सिंधिया ऐसे थे, इस वंश में काफी महान राजा भी हुए हैं, और इनमें से एक बात करूं महान राजा की तो वो थे महादजी सिंधिया, ठीक है। महादजी सिंधिया रानोजी सिंधिया के सबसे छोटे बेटे थे, पांचवे बेटे थे और सबसे छोटे बेटे थे, और इस वंश का इन्हें महान राजा कहा जाता है, बहुत प्रतापी राजा भी थे। जन्म इनका हुआ था 1730 में और मृत्यु हो गई थी इनकी 1794 में, और महादजी सिंधिया के नाम से जाना जाता था। एक मराठा राजनेता थे ये, और उत्तरी भारत में ग्वालियर के शासक थे, ठीक है। अब देखिए इनके जो काम थे, इन्होंने मथुरा में जो जाटों की शक्ति जो बढ़ रही थी उसका सफाया कर दिया था इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा 1772-73 के दौरान रोहिलखंड में जो पश्तून रोहिल की जो शक्ति थी, जो कब्जा था, उसको भी खत्म कर दिया था। इसके अलावा देखिए जो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुए थे, अंग्रेज मराठा युद्ध जो हुए थे, प्रथम तीन हुए थे टोटल, तो जो पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था उसके उस पर इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों को एक तरफा कर दिया था,
ठीक है, और एकतरफा कर दिया था। तो फिर क्या हुआ था कि 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच साल बाई की संधि हुई थी, जहां पर इन्होंने पेशेवर अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता की थी। इसके अलावा इन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, जहां पर मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था। तो हालांकि देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठाओं की सेना शक्ति जो है थोड़ा सा कम हुई थी, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई थी। उसके बाद भी इन्होंने कई सारे युद्ध लड़े, और आपको मैं बता चुका हूं कि 1817 और 1818 में भी इन्होंने युद्ध लड़ा, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इसके अलावा 1787 और 1790 में इन्होंने राजपूतों से युद्ध किया, और 1790 में राजपूतों को हराने में सफल भी हुए, ठीक है। तो काफी हद तक इन्होंने मराठा साम्राज्य को फैलाया था, ठीक है, और पानीपत के युद्ध में भी इनका योगदान रहा है, आंग्ल मराठा जब अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ उसमें भी इनका योगदान रहा है। तो देखिए, जयजीराव सिंधिया के जो वंशज, जो पूर्वज थे, वो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़े थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं लड़े थे, लड़े थे। लेकिन जब 1818 में ये संधि हुई, ग्वालियर की संधि हुई, तो इस पर सिंधिया क्या हुए, अधीन हो गए, अंग्रेजों के अधीन हो गए। दौलत राव सिंधिया उस टाइम पे राजा थे ग्वालियर के, और उसके बाद चीजें ये हो गई कि सब कुछ अंग्रेजों के हिसाब से होने लगा। हाँ, अब यहां पर जो चीज हुई 1857 की बात है, देखो रानी भी चाहती तो अंग्रेजों की बात मान लेती, ठीक है, लेकिन रानी ने अंग्रेजों की बात नहीं मानी, ठीक है, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि उनको झांसी आजाद चाहिए। और लेकिन यहां पर जो जयजीराव सिंधिया थे, ये हिम्मत नहीं उठा पाए संघर्ष करने की, विद्रोह करने की, और ये अंग्रेजों का साथ दिए, क्योंकि इनको बनना था महाराजा, ठीक है। तो ये तो बात होगी आजादी के पहले की। इसके बाद फिर आते हैं हम आफ्टर इंडिपेंडेंस आते हैं, और आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो देखिए, जो जयजीराव सिंधिया थे उनके बेटे का नाम था माधोराव सिंधिया, देखिए माधव नहीं, माधोराव सिंधिया नाम था, ठीक है, माधोराव सिंधिया नाम था उनका, और माधोराव सिंधिया के बेटे थे जीवाजीराव सिंधिया। बात समझ में आई, जयाजीराव सिंधिया, फिर कौन आए, माधोराव सिंधिया, और उसके बाद कौन आए, जीवाजीराव सिंधिया। जयजीराव के उत्तराधिकारी थे माधोराव, और माधोराव के उत्तराधिकारी थे जीवाजीराव। इन्हें अंतिम महाराजा माना जाता है ग्वालियर का, क्योंकि इसके बाद तो फिर राजतंत्र आ गया था, सॉरी लोकतंत्र आ गया था, ठीक है। अब बात करें जीवाजीराव सिंधिया की, तो जीवाजीराव सिंधिया जो है वो महाराजा कब बने ग्वालियर के, वो 1925 में महाराजा बने ग्वालियर के, और उनके पिता की मृत्यु के बाद बने, माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद बने। और उसके बाद 1941 में उन्होंने लेखा दिव्येश्वरी देवी से विवाह किया, ये है लेखा दिव्येश्वरी देवी। आगे चल के इनका नाम जो है विजया राजे सिंधिया हो जाता है, किंग मेकर रही है भारत की पॉलिटिक्स में ये, ठीक है, इनके बारे में काफी कुछ चर्चा में करेंगे। और इसके अलावा विजया राजे सिंधिया और जीवाजीराव सिंधिया के कुल 5 बच्चे हुए, जिनमें से 4 बेटियां थी और 1 बेटे थे, जिसमें से पहली थी पद्मा राजे सिंधिया, दूसरी थी उषा राजे सिंधिया, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें जो भारतीय राजनीति में काफी एक्टिव थे, तो बेटे में आते हैं तीसरे नंबर पे माधवराव सिंधिया, ठीक है, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं ये। उसके बाद वसुंधरा राजे, हम सभी जानते हैं इनको, और इसके बाद आती हैं यशोधरा राजे, ठीक है, सभी पर चर्चा करते हैं। अब बात करें जीवाजीराव सिंधिया की, देखिए आजादी के समय की बात है, ऑप्शन दिया गया ग्वालियर राज्य को कि वो किससे मिलना चाहते हैं, भारत के पाकिस्तान। तो ग्वालियर यानी जीवाजीराव ने निर्णय लिया कि वो भारत में ही विलय करेंगे, और जब भारत में विलय करेंगे तो उन्होंने क्या किया कि भारत की रियासतों में जो है अपना जो है राज विलय कर दिया, और विलय करने के बाद भारत सरकार ने इनको राज प्रमुख बनाया, मध्य भारत का राज प्रमुख बनाया। अब राज प्रमुख बना दिया ना, लेकिन इसके बाद इनकी राजनीति में रुचि कम हो गई थी, ठीक है। नेहरू जी ने कई बार जीवाजीराव सिंधिया से प्रयास किया कि जीवाजीराव सिंधिया जो कांग्रेस ज्वाइन कर लें, और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ही चुनाव लड़ें, लेकिन जीवाजीराव का कोई भी इंटरेस्ट कांग्रेस में बिल्कुल नहीं था। नेहरू ने 1957 में जीवाजी से मिलने के बाद उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया था, देखिए 1957 में कांग्रेस में शामिल होने का न्योता उन्हें मिला था, लेकिन जीवाजीराव इसके लिए राजी नहीं हुए। और हुआ यह भी था कि वो उन्हें कांग्रेस की नीतियां पसंद ही नहीं थी, वो उनका झुकाव पूरा पूरा हिंदू महासभा की ओर था, ठीक है, और इस बात का डर कांग्रेस को था, क्यों, क्योंकि काफी सीटें आती थी उस टाइम पे ग्वालियर राज्य की, ग्वालियर ग्वालियर क्षेत्र में, और जिस पर दबदबा था ग्वालियर घराने का, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इनके जीवाजीराव की, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है प्रयास में थी कि इनके यहां से कोई तो चुनाव लड़ ले। तो इन्होंने टारगेट किया फिर किसको, महारानी को, महारानी यानी कि राजमाता विजया राजे को इन्होंने टारगेट किया। उन्होंने महारानी को ही बोला कि आप ही कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ लीजिए, और रानी मान भी गई, ठीक है।
पहले तो रानी ने मना कर दिया, बोली जीवा जी जो महाराज है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने फिर ऑफर किया, किसको? रानी को ऑफर किया। और रानी को ऑफर करने के बाद यह बोला कि आप एक काम करिए, आप चुनाव लड़िए। और तो रानी फिर इस बात पर सहमत हो गई। और यहां से कहानी शुरू होती है सिंधिया परिवार की, राजतंत्र से लोकतंत्र में आने। ठीक है, तो महारानी ने क्या किया, महारानी गुना सीट से पहली बार लड़ी, 1957 में लड़ी। ठीक है, और पहली बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो पहली बार में ये जीत गई। और हिंदू महासभा के देश पांडे को उन्होंने 60,000 वोटों से हराया। देखिए, पहला चुनाव उन्होंने लड़ा 1957 में, कहां से लड़ा, गुना से लड़ा, और कितने वोटों से जीता, 60,000 वोटों से जीता। और हिंदू महासभा की ये बन गए क्या, हिंदू महासभा के देश पांडे को उन्होंने हरा दिया। उसके बाद बात करें, देखिए ये है विजयराजे सिंधिया, ये है माधवराव सिंधिया, और ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, वे दूसरी बार भी चुनाव जीत गई। ठीक है, और इस बार वे ग्वालियर से जीती। ठीक है, मतलब 1957 में गुना से लड़ी, और उसके बाद उन्होंने लड़ा कहां से, 1962 में उन्होंने लड़ा ग्वालियर से, और वहां से भी जीत गई। अब 1962 में जो मुख्यमंत्री बने वो कांग्रेस के बने, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन थे, डीपी मिश्रा। इन्हें इंदिरा गांधी का काफी करीबी माना जाता था। ठीक है, काफी दमदार नेता थे ये उस जमाने के। और डीपी मिश्रा और राजमाता विजया राजे की बिल्कुल नहीं बनती थी, इनमें हमेशा तनातनी चलती थी, और इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कुछ चीजें डीपी मिश्रा की। और उसमें से एक चीज ये थी कि ग्वालियर में एक बार क्या हुआ, जबरदस्त छात्र आंदोलन हुआ, और जब छात्र आंदोलन हुआ तो डीपी मिश्रा छात्र आंदोलन को दबाने के प्रयास में थे, लेकिन राजमाता उसे बल देने के प्रयास में थी, और दोनों के बीच में काफी मतभेद थे। और इसी मतभेद के चलते राजमाता यानी विजया राजे सिंधिया जी ने क्या किया कि इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। और जब कांग्रेस छोड़ दिया तो काफी सारी चीजें जो है उसके बाद उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। फिर आती बारी इंदिरा गांधी और राजमाता की। देखिए, राजमाता सिंधिया और जो इंदिरा गांधी थी, इनका बिल्कुल भी, इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं जमती थी। और उसके बाद क्या हुआ कि चुनाव हुए, और जब चुनाव हुए तो राजमाता ने जो है 1967 की बात है, देखिए 1967 में राजमाता ने क्या किया कि इन्होंने ज्वाइन कर ली जनसंघ। जनसंघ जो थी वो आज की बीजेपी, आप कह सकते हैं कि आज की बीजेपी है, और आज की बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो ये तो बात हो गई इनकी जनसंघ तक ज्वाइन करने की। अब जनसंघ से शुरू क्या हुआ, देखिए भारतीय जनसंघ इन्होंने ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद इन्होंने करैरा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा। और जब करैरा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा तो ये भारी मतों से जीत गई। ठीक है, भारी मतों से जीत गई। और 1971 की बात हो रही है, 1971 में क्या हुआ कि काफी इंदिरा गांधी की लहर चल रही थी, और उस लहर के बावजूद, ठीक है, उस लहर के बावजूद विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की तीनों जो सीट थी उस पर विजय राजे सिंधिया ने कब्जा जमा लिया। विजय राजे सिंधिया ने भिंड से चुनाव लड़ा, वहां से जीत गई। इसके अलावा वाजपेयी जी ने ग्वालियर से चुनाव लड़ा, वाजपेयी जी ग्वालियर से जीत गए। इसके अलावा इनके पुत्र भी तब तक राजनीति में एक्टिव हो गए थे, जिनकी बात हम आगे करेंगे, वो गुना से लड़े और गुना से भी जीत गए। मतलब कि जो ग्वालियर रीजन की सीट थी, भिंड, ग्वालियर और गुना, ये तीनों सीट जो है जनसंघ के हाथ में आ गई, जबकि उस टाइम पर इंदिरा गांधी की वेव बहुत ज्यादा चल रही थी। ठीक है, अब इसके बाद बात करें 1977 और 1984 की, 1977 की बात करें तो 1977 में जो राजमाता है उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 1984 में लड़ा। और किसके खिलाफ लड़ा, इन्होंने 1984 में चुनाव लड़ा इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से। 1984 में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, वो भी रायबरेली से, हालांकि यहां पर इनकी हार हुई। ठीक है, और तब तक ये जनसंघ की काफी अच्छी नेता बन चुकी थी, और बीजेपी तब तक अस्तित्व में आ चुकी थी, इन्होंने बीजेपी को भी काफी सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये कहानी थी राजमाता की। अभी राजमाता की इस सब करियर के बीच में हम बात करते हैं कि हुआ क्या। देखिए, इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने इनको डाल दिया था जेल में। ठीक है, और जेल में डालने के बाद इनकी एक तरीके से कहा जाए इनकी पिटाई भी करवाई थी इंदिरा गांधी ने, ये खुद इन्होंने ओपनली ये चीज कही है, पब्लिक के सामने कही है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि ये अपने बेटे यानी इनको 1971 में कहाँ ले आई थी, चुनाव में ले आई थी। ठीक है, और जब चुनाव में इन्होंने उनको उतार दिया था तो शुरुआत में तो ये जनसंघ से लड़े, और जनसंघ से लड़े और गुना की सीट को जीत लिए, लेकिन धीरे धीरे माधवराव का जो झुकाव है वो
कांग्रेस की तरफ होने लगा, ठीक है। और उसके बाद जब कांग्रेस की तरफ झुका होने लगा तो 1980 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है। और यहां से कहानी शुरू होती है राजमाता और माधवराव सिंधिया की, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं राजमाता और माधवराव सिंधिया के रिलेशन की। काफी खराब रिलेशन कह सकते हैं आप रहे हैं दोनों के बीच में, माँ और बेटे के बीच में, क्योंकि राजनीति के बीच में काफी दिक्कतें होती हैं जब कभी परिवार में राजनीति आ जाती है। अब हुआ ये देखिए, माधवराव सिंधिया की बात करें, माधवराव जो सिंधिया थे उनका जन्म 1945 में हुआ और ये इकलौते बेटे थे जीवाजीराव सिंधिया के, ठीक है। और ये एक भारतीय राजनेता और कांग्रेस के मंत्री थे। 1961 में ये क्या बन गए, महाराजा बन गए, क्योंकि 1961 में जीवाजीराव सिंधिया की मृत्यु हो गई थी। अब 1971 में, ठीक है, हुआ ये था, देखिए आपको बताता हूं कि इंदिरा गांधी और राजमाता में दिक्कत कहां शुरू हुई। 1971 में भारत में संविधान संशोधन किया गया, 26वां संशोधन किया गया और भारत संघ ने जितने भी राजसीय परिवार थे उनके सभी आधिकारिक प्रतीकों को समाप्त कर दिया, उनके शीर्षकों को समाप्त कर दिया, उनके विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया और जो पेंशन वगैरह मिलती थी राज परिवारों को वो भी समाप्त कर दिया। और यहीं पर तनातनी शुरू हुई विजयराजे सिंधिया और इंदिरा गांधी के बीच में, ठीक है। तो ये हुई बात किनकी, माधवराव की। अब माधवराव की बात करें कि देखिए जैसे 1967 में विजयराजे ने कांग्रेस छोड़ दी थी, ठीक है, और विजयराजे ने कांग्रेस जब छोड़ दी थी तो इन्होंने ज्वाइन क्या किया, पहले तो स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर ही सांसद बनी और बाद में उन्होंने जनसंघ ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद ये जो माधवराव सिंधिया है तो वो जनसंघ से ही आए, जनसंघ से ही जीते, लेकिन जनसंघ में ज्यादा देर तक ही नहीं रह पाए, उन्हें उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ बहुत ज्यादा था। और जब कांग्रेस की तरफ बहुत ज्यादा था तो माँ और बेटे के बीच में राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर काफी कहा जाए अलगाववाद, काफी दरार आ गई। और एक समय तो ऐसा हुआ कि 1984 की बात है जब राजमाता इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाह रही थी तब ये चकित हो गए, क्योंकि ये तब कांग्रेस में आ चुके थे और राजमाता कांग्रेस में थी नहीं, तो राजमाता ने इंदिरा गांधी को चुनौती दे दी और कहां से रायबरेली से इन्होंने जो है चुनाव लड़ा इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो ये फिर अपनी माता के पास गए भी और जब माता के पास गए तो इन्होंने इनको बोला कि आप वहां चुनाव मत लड़िए, लेकिन राजमाता नहीं मानी। और जब राजमाता नहीं मानी तो वहां से इनके बीच में दरार शुरू हो गया। यहां तक कि यह भी हुआ कि 1985 में अपने हाथ से लिखी वसीयत में राजमाता ने यह तक कह दिया था कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनका जो बेटा है उन्हें मुखाग्नि भी नहीं देगा। इसके अलावा जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है माधवराव सिंधिया को नहीं मिला, क्योंकि काफी सारी चीजें विजयराजे ने अपनी बेटियों में बांट दिया था और बहुत कम संपत्ति जो है माधवराव के हिस्से में आई थी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं माधवराव सिंधिया के करियर की। तो देखिए लोकसभा में 9 बार चुने गए, ठीक है, और ये कभी भी चुनाव नहीं हारे। जब से इन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया तो माधवराव सिंधिया कभी भी चुनाव नहीं हारे। ये पहली बार गुना से जीते और तब इनकी उम्र 26 साल थी, मात्र 26 साल उम्र थी, ठीक है। इसके अलावा ये जनसंघ के टिकट पर लड़े थे। और इसके बात करें कि जब 1977 में जब एमरजेंसी जो है हटा दी गई तो ये गुना से फिर लड़े, गुना से चुनाव फिर लड़े, लेकिन इस बार ये जनसंघ से नहीं लड़े, ठीक है। गुना से फिर ये चुनाव लड़े लेकिन जनसंघ से नहीं लड़े, ये इंडिपेंडेंट लड़े। और जब इंडिपेंडेंट लड़े तब भी जीत गए, और जब तब भी जीत गए तो हुआ ये कि उन्होंने 1980 में क्या किया, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और जब कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो यहां से कहानी फिर अलग होती है राजमाता की और माधवराव की। इसके अलावा बात करें कि ये गुना तीसरी बार भी जीते, और मतलब तीसरी बार जीते कहने का मतलब ये है कि जितनी बार ये लड़े हैं गुना से उतनी बार गुना से जीते ये। और इसके अलावा 1984 की बात करें, 1984 चुनाव हुए थे, ठीक है, और इंदिरा गांधी के खिलाफ कौन लड़ी थी, विजयराजे सिंधिया लड़ी थी। तो 1984 में इन्हें ग्वालियर से टिकट मिली। हर बार ये गुना से लड़ रहे थे, अब तक कहां से लड़ रहे थे, ये गुना से 71 में गुना से लड़े, 67 में गुना से लड़े, लेकिन अब इस बार इन्हें कहां से लड़ना था, इस बार इन्हें लड़ना था 1984 में ग्वालियर से। ये ग्वालियर से लड़े और ग्वालियर से भी जीत गए। मतलब अब ये हो रहा था कि चाहे ये ग्वालियर से लड़े या गुना से लड़े ये जीत रहे थे, ठीक है। और ये तो होगी बात इनकी चुनाव जीतने की, जब ये ग्वालियर से चुनाव लड़े थे तो इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था। अब बात करें मिनिस्टर की, कब कब मिनिस्टर रहे, तो देखिए
राजीव गांधी के काफी करीबी माना जाता था इनको, और राजीव गांधी के की कैबिनेट में इन्हें रेलवे मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर बनाया गया, और रेलवे मिनिस्टर रहे 1986 से 1989 के बीच में ये रेलवे मिनिस्टर रहे, ठीक है। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, तो उनकी मिनिस्ट्री में ये सिविल एविएशन मंत्री थे, नागरिक उड्डयन मंत्री थे ये। हालांकि इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों से काफी विरोध मिला था जब ये बने थे, ठीक है। तो मंत्री कौन कौन से थे, रेलवे मिनिस्टर रहे ये, और उसके बाद कौन रहे, सिविल एविएशन मंत्री रहे। और तब तक भारतीय राजनीति में जो माधव राव सिंधिया है ये अपनी काफी अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे, पीएम तक का दावेदार माना जाने लगा था इन्हें कि अब कभी चुनाव अगर होंगे तो ये पीएम भी बन सकते हैं। और इसी बीच हुआ ये कि 2001 की ही बात है, राजमाता का निधन हो गया, और यह साल सिंधिया परिवार के लिए काफी कहा जाए ब्लैक ईयर कह सकते हैं आप इनके, क्योंकि राजमाता की मृत्यु हो गई। और फिर इसी बीच क्या हुआ कि माधव राव सिंधिया की भी इसी साल मृत्यु हो गई। माधव राव सिंधिया की मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश में, और एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई थी इनकी। इनकी मृत्यु हुई थी 30 सितंबर 2001 को, इनकी मृत्यु हो गई थी प्लेन क्रैश में, इनकी मृत्यु हुई थी। और उसके बाद जो सीट ये हमेशा रखते थे वो सीट हो गई खाली, और उस सीट से फिर चुनाव लड़ा किसने, इनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ठीक है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया का जन्म 1971 में हुआ था। भारतीय राजनीति में इन्होंने शुरुआत ही कांग्रेस से की थी, ठीक है, और ये जो है गुना से ही प्रतिनिधित्व करते थे। इसके अलावा अभी हाल ही में इन्होंने कांग्रेस छोड़कर मध्य प्रदेश में बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और बीजेपी ने इन्होंने राज्यसभा का टिकट भी दे दिया है। अगर बात करें हम ज्योतिराज सिंधिया की पढ़ाई की, तो ज्योतिराज सिंधिया जो थे उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए की डिग्री प्राप्त की है, और उसके अलावा 2001 में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये तो बात होगी इनकी पढ़ाई की। इसके अलावा अगर इनके पॉलिटिकल करियर की मैं बात करूं तो देखिए, जैसे 30 सितंबर 2001 जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो गुना की सीट खाली हो गई, और जब गुना की सीट खाली हो गई तो ये फिर वहां से चुनाव लड़े, गुना से चुनाव लड़े, और गुना से चुनाव जब ये लड़े तो काफी मार्जिन से ये जीते। 19 जनवरी 2002 को उपचुनाव हुए, और उपचुनाव हुए गुना के लिए, क्योंकि गुना सीट खाली हो गई थी। तो जब उपचुनाव हुए तो ये वहीं से चुनाव लड़े, और भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के देशराज सिंह यादव को इन्होंने हरा दिया था, लगभग 4.5 लाख वोटों से हराया था। और उसके बाद 2004 में भी ये फिर से गुना से जीते, और इन्हें 2007 में पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला, 2007 में पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला। और उस जमाने में ये माना जाता था कि ये जो भी यंगेस्ट मंत्री थे उनमें से एक थे ये, ठीक है। तो ये तब तक कांग्रेस के साथ रहे। इसके अलावा इन्हें मिनिस्टर भी बनाया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया मिनिस्टर बनाया गया इन्हें, पावर का मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है, और वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, मतलब कि राज्य मंत्री थे पावर के, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्हें कांग्रेस से मिला। 2020 में कांग्रेस तनातनी के बीच में इन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस जो छोड़ दिया है, जो कि काफी चर्चा में है इस समय। तो ये थी राजनीति सिंधिया परिवार की। इसके अलावा अगर बात करें विजया राजे जो राजमाता थी उनकी बेटियों की, तो उनमें से एक बेटी जो कि राजनीति में एक्टिव है वो है वसुंधरा राजे। हम सभी जानते हैं वसुंधरा राजे को, 1953 में इनका जन्म हुआ था, और ये बीजेपी की एक सक्रिय कार्यकर्ता है, सक्रिय नेता है, सक्रिय राजनेता है, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है बीजेपी की अभी, ठीक है। तो 2013 से 11 सितंबर 2018 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रही, और यही चीज वो 2003 से 2008 तक रही, मतलब राजस्थान के दो बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, और इसके अलावा राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें यशोधरा राजे सिंधिया की, तो इनका जन्म 1954 में हुआ था, ठीक है, ये भी एक भारतीय राजनीतिज्ञ है, और मध्य प्रदेश सरकार में खेल और युवा कल्याण, धार्मिक ट्रस्ट और बंदोबस्ती की पूर्व मंत्री भी रही है, ठीक है। और सबसे छोटी बेटी है ये राजमाता विजय राजे की, और वह ग्वालियर से 15वीं लोकसभा के लिए चुनी गई थी और उपचुनाव में जीती थी, ठीक है। तो देखिए ये थी कहानी सिंधिया परिवार की, काफी बड़ा इतिहास है सिंधिया परिवार का, कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए कि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर पाऊं, बट मैंने कोशिश की कि इस एक वीडियो में काफी कुछ आपको बता पाऊं, काफी कुछ चीजें क्लियर कर पाऊं।
इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि सिंधिया परिवार का जो इतिहास रहा है, ठीक है, उतार चढ़ाव भरा रहा है, ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज मेरा मानना, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, कि आज का जो सिंधिया परिवार है उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता तब जो सिंधिया परिवार ने किया था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम की राजनीति क्या थी। अच्छा, एक चीज और है, उस टाइम जो थी कल्पना, 1857 की बात करें या आजादी के पहले की बात करें, ये इतने सारे हमारे ऊपर आक्रमण हुए, भारत पर आक्रमण हुए, और भारत कई बार जीता भी, कई बार हारा भी, लेकिन इसका कारण क्या था? शक्तिशाली होते भी हार जाता था, क्योंकि हमारे यहां यूनिटी नहीं थी, ठीक, एकता नहीं थी राजाओं में, और इसलिए एकता नहीं थी क्योंकि राष्ट्र की कल्पना ही नहीं थी, सिर्फ राज्यों की कल्पना थी, ठीक है, सिर्फ राज्यों की कल्पना थी, मतलब हमारा जो राज्य है वो बचा रहे, पड़ोसी का राज्य जो होना है वो हो जाए, ठीक है, तो राष्ट्र की कल्पना नहीं थी, इसलिए राष्ट्र से प्रेम भी नहीं था, सिर्फ राज्य से प्रेम था। तो उस समय जो परिस्थितियां थी वो राज्य को लेकर की थी, कोई भी राजा, देखिए ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों का साथ सिर्फ ग्वालियर के राजा ने दिया था, ऐसे और बहुत से राजवंश थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ऐसे और बहुत से राजवंश थे, सिर्फ सिंधिया की बात नहीं कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से राजवंश थे जो योग्य होते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ तलवार तक नहीं उठाए, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका राज्य सही सही चल रहा था, ठीक है, तो तब राज्य की कल्पना थी न कि राष्ट्र की कल्पना थी, और ये सब इसीलिए हुआ आज हमारा भारत जो है बहुत बड़ा लोकतंत्र है। और मेरे हिसाब से आज के सिंधिया परिवार को तब के सिंधिया राजा द्वारा किए गए कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये एक्ट इनका नहीं था, ये एक्ट उनका था, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, मैंने कोशिश किया कि सिंधिया परिवार के बारे में ज्यादा से ज्यादा बता पाऊं। जल्दी मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, कोई स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।